अभी कोई दुनिया में जैसे जो सबसे समझदार लोग हैं वो लोग क्या लेते हैं? साइंस लेते हैं। उससे कम समझदार लोग कॉमर्स लेते हैं। उससे कम समझदार लोग आर्ट्स लेते हैं। उससे कम समझदार लोग स्कूलिंग करते हैं। उससे कम समझदार लोग देहाती लेते हैं। सबसे ज़्यादा समझदार लोग कौन होते हैं? साइंस लेते हैं जो। ये लोग बीटेक करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं ये लोग, ठीक है। जो लोग कॉमर्स करते हैं ये लोग बीकॉम के बाद एमबीए करते हैं, एमबीए के अंडर में बीटेक काम करते हैं। जो लोग आर्ट्स लेते हैं ये लोग सिविल सर्विसेज में जाते हैं, इनके अंडर में एमबीए काम करते हैं, इनके अंडर में बीटेक काम करते हैं। जो लोग सिर्फ स्कूलिंग की होते हैं पढ़े वो पॉलिटिशियन बनते हैं, इनके अंडर में आईएएस काम करते हैं, इनके अंडर में एमबीए काम करते हैं, इनके अंडर में बीटेक काम करते हैं। और निहायती नलायक लोग सो कॉल्ड साधु बनते हैं जिनके अंडर में पॉलिटिशियन काम करते हैं, जिनके अंडर में आईएएस काम करता है, जिनके अंडर में कॉमर्स एमबीए काम करते हैं, जिनके अंडर में बीटेक काम करता है। कर ली अपनी बीटेक एमटेक। मैं कितने ऐसे रियल एस्टेट वाले लोगों को जानता हूँ, बेटा क्या है 10वीं फेल, पिताजी बता रहे औकात की नहीं है पढ़ना, तो आ जा मेरे रियल एस्टेट के बिजनेस में आ जा। और सेक्रेटरी कौन है? आईआईटी, आईआईटी से पढ़ा लिखा, एमबीए फ्रॉम आईआईएम अहमदाबाद। अच्छा बॉस 10वीं फेल। कहते के यार के बोल ले यार, तू मीटिंग के लिए जाना है ना, तो यार ढंग तो पहले बता रहे यार, तू अंग्रेजी बोलता है, हिंदी बोला कर तो मेरे साथ। अच्छा ये कितना कमाता है? करोड़ों। वो एम बी ए जो कि आई एम से अहमदाबाद से कुछ लाखों कमा रहा है, वो जिसके प्रारब्ध में जो है वो उसको मिलना है। इसीलिए कभी कभी भौतिक जीवन में जब हम बहुत सक्रिय हो जाते हैं, वी आर सो बिजी, जिसकी वजह से हम भक्ति को प्रियोरिटी नहीं दे पा रहे होते, वी आर इल्यूजन। हमारे दुख और सुख हमारे फिक्स्ड हैं, जो आपको मिलना है मिलेगा ही। मैं ये नहीं कह रहा कि आप रिजाइन करके घर बैठ जाओ, जो मिलेगा मिलेगा ही हो तो नहीं, लेकिन जितना एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी करेंगे वो उतना काफ़ी है। रेस्ट द टाइम वी शुड एक्चुअली फोकस ऑन भक्ति, सो वी शुड कम आउट ऑफ दिस इल्यूजन, यू नो वी आर सो बिजी, सो बिजी।